ऐसे नेता, पूर्व कांग्रेस नेता, पूर्व आप नेता, पूर्व टीएमसी नेता, और अब आप बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं भाई। चाचा चौधरी के दिमाग थे तो इसी से सवाल पूछा था भाई, जवाब भी तुरंत मिलेगा भाई। सा एक के मानस से और वो से अशोक तंवर साहब। सेकंड से बिल्कुल सही विकास भाई। देखिया क्यों भाई, तंवर साहब ने एक के पाछे एक नरी पार्टी छोड़ी से है। कदे तो भाई कांग्रेस में थे, रोड़ा होया फिर टीएमसी पकड़ ली, जबकि मैं बात बनती नहीं दिखी, फिर गोता मार के आम आदमी पार्टी मार ली है, और उसके पाछे बीजेपी का कमल फूल हाथ में पकड़ लिया है। मन तो लगा कि नुए चलता रहेगा ना, तो एक दिन अशोक तंवर साहब आया राम और गया राम का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ेंगे विकास भाई। दरअसल हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अशोक तंवर की, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनका दामन थामने के बाद हरियाणा के जो मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उनका जोरदार स्वागत किया है बीजेपी में। साथ ही मनोहर लाल ने यह कहा कि वो तो हमारे भांजे लगते हैं, क्योंकि उनकी माँ हमारे गांव की है, और जब वो कांग्रेस में थे और उनको चोट लगी तो वो उनसे उनका हालचाल जानने भी पहुंचे थे। लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं, कि ये मेरे भांजे लगते हैं, कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है। अच्छा, भांजा लगे थे ये पार्टी भाई। फिर एक बात बताओ ना यार, ये मामा भांजा कौन से कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे जो मतलब इतने साल में जाके मिले से है? अरे भाई भांजे ने कैन में शब्दा के बाण चलाने में को घाट नहीं गाली है, अपने मामा पंद्रह शब्दा के बाण छोड़ दे से। वही अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थामने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी तो सिर्फ एक ही है, वो है बीजेपी, बाकी तो सब दलदल है। जो बाकी पार्टियां हैं ना वो विचारधारा पे खरी हैं, ना वो बातों पे खरी हैं, जो गारंटी देते हैं वो झूठी गारंटी देते हैं। दल सिर्फ एक ही बचा है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और बाकी दलदल है, और बाकी दलदल है। तंवर साहब, जो और पार्टी दलदल थी तो फिर उस दलदल में धसे क्या थे, और वो भी इतने साल आता ही है, और एक नहीं एक के पाछे कई दलदला में धसे हो है, एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी फिर तीसरी पार्टी। भाई दलदल तो दूर तक दिख जाएगा भैया दलदल से, तो उसमें धसना है जरूरी से ये है। वही अशोक तंवर ने पूर्व पार्टियों पर धोखेबाजी और बेईमानी का आरोप लगाते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। देखिए ये तो कई बार जो ऊपर वाला है वो आपको दिखाना चाहता है कि किस किस की दुकान में कितना सामान है और कौन कौन कितना बड़ा बेईमान है। लोग यहाँ से बेईमान, यहाँ से बेईमान, और यहाँ से भी बेईमान है, तो बेईमानों के साथ अपनी पटड़ी नहीं जमती। पिछली पार्टी की तरफ, पिछली पार्टी और उससे पिछली पार्टी की तरफ है। वही आम आदमी पार्टी छोड़ने पर अशोक तंवर का जो फैसला था उसके ऊपर हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उन्होंने कहा कि अशोक तंवर पहले भी बहुत सारी पार्टियां छोड़ चुके हैं, उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ी, फिर टीएमसी छोड़ी, और अब आप पार्टी को छोड़ दिया। उन्हें दरअसल खुद को ही नहीं पता कि वो कहां जाकर रुकेंगे। उनकी आदत हो गई है, पहले वो कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में गए, तृणमूल छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए, अब आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन तो वही बता पाएंगे कि कहाँ रुकेंगे। प्रदेश में जो लोग कहते थे हमें, हम बराती घोड़े और जंगी घोड़ों की चर्चा करते थे, उन्होंने जिनको जंगी समझते थे उनको ही बरात में नचाना शुरू कर दिया। मोरा दर्द न जाने कोई भाई, जिनकी पार्टी तो नेता छोड़ के मतलब गया है उनका दर्द तुम समझ सके से। बाकी यह बात तो सही है भाई, अशोक तंवर साहब कितने जाकर डटेंगे इस बात का तो उन्होंने भी नहीं दे रहा। वही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी है उसको नेता जितना जल्दी छोड़े उतना अच्छा है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है, उनकी एक भी सीट नहीं आएगी, तो आपका कोई भविष्य भी नहीं हरियाणा में, सभी नेता छोड़ छोड़ कर ही आ रहे हैं। चलो तो जनता जनार्दन तय करेगी अगर भाई किसका खाता खुलेगा और किसकी होगी जमानत जब्त। बाकी तो टाइम का कोई भरोसा नहीं है, बेरा ना पछले गेड़े में बीजेपी के कितने मंत्रिया की। वही अशोक तंवर द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर आप पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने जमकर उन पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हर कोई आदमी जांच एजेंसियों के जो जांच होती है उसका प्रेशर नहीं झेल पाता है, और जो प्रेशर नहीं झेल पाते वो बीजेपी में चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने छोड़ी आप उसके फूटे भाग। ये कांटों भरा और बहुत मुश्किलों भरा रास्ता है, सबके बस की बात नहीं होती। जिसने छोड़ी आप उसके फूटे भाग, जिसने छोड़ी आप उसके फूटे भाग, जिसने आम आदमी पार्टी छोड़ी उसकी राजनीति छूट गई धीरे धीरे। जनता जनार्दन के नाम पर राजनीति करके करे से जनता गिल्ला गद्दारी है, फिर जनता उस गिल्ले फिर ले समूह, जिस नेता ना हो है खाली टिकट और
कुर्सी प्यारी। वाह 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 वाह, क्या बात है विकास भाई।